एडीएम ने सर से मार दिया, दो होटल को आपने तोड़ दिया, होटल वाले ने 2 करोड़ का आप पे आरोप लगाया। ऐसे ऐसे होटल हैं जो बिल्कुल नदी पर छू रहे हैं, उनको आपने नहीं छुआ। जनता है वो भी पूछ रही है कि आप जब पैसे देते थे इसका मतलब है कहीं ना कहीं गलत थे। टॉलरेंस जीरो टॉलरेंस का फर्जी नारा देने वाली सरकार, तो मैं सार्वजनिक रूप से बीडीए के अध्यक्ष उपाध्यक्ष से क्षमा याचना करूंगा। चुनाव में इन लोगों ने इंडिया गठबंधन के लोगों को वोट दिया था इसलिए होटल तोड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारी इतने बेलगाम हो गए हैं उसका भी कारण है, चूंकि उनसे गुनाह करवाया जा रहा है। अभी हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी मौजूद हैं। चूंकि सिस्टम में खामियाजा को देखते हुए इन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई है, अधिकार सेना की पार्टी बनाई है और तमाम आम जनमानस की बातें उठाते रहते हैं। तो अभी हम लोग इस समय मौके पर जो मौजूद हैं, हम लोग उन दो होटलों के बीच मौजूद हैं, यानी कि बनारस कोटी और रिवर पैलेस के बीच में मौजूद हैं, जो उस दिन वीडियो के द्वारा कार्रवाई हुई थी। और जिस तरह की ये कार्रवाई हुई थी उसके बाद जिस तरह अधिकारी का जो रवैया था, तो उस पर हम बात करेंगे सर से। सर, जिस तरह से वीडीए ने कार्रवाई की और जिस तरह से ये घटनाक्रम घटा, तो इसको क्या आप कैसे देखते हैं? मैं इसे भ्रष्टाचार के एक बहुत ही घृणित उदाहरण के रूप में देख रहा हूं, क्योंकि जो तथ्य सामने आ रहे हैं, बुनियादी तथ्य, दो होटल्स आपने तोड़ दिए, आपने कहा नक्शा नहीं है, ये नहीं है, ग्रीन बेल्ट है, जो कुछ भी कहा। यद्यपि मुझे बताया गया है कि कागज़ में आपने ग्रीन बेल्ट कहा, मौखिक शायद आपने 2+1 की बात कही, जो भी आपने किया। मैं यहाँ से लेके करीब यहाँ से 200 मीटर तक मैं खुद गया, मैं नदी के तलचट तक गया, मैंने देखा कि 27-28 होटल्स हैं, होलीडे इन्स हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, उनमें एक भाजपा के एक बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री के किसी रिश्तेदार का होटल बताया जा रहा है, एक भाजपा के यहाँ एक स्थानीय प्राधिकारी हैं उनका होटल बताया जा रहा है, होलीडे इन या क्या नाम है ये मैंने देखा। एक भाजपा के पूर्व सांसद यहाँ पर हैं, उनका निवास है, बड़ा सा बंगला है, उसके बगल में एक कर्नल है, भाजपा नेता हैं अब, उनका बंगला है भारी सा। आपने किसी को ध्वस्त नहीं किया, किसी को छुआ तक नहीं, किसी को नोटिस तक नहीं दिया। इनसे मुझे बताया गया है, मुझे स्वयं बताया यहाँ के लोगों ने कि 2 करोड़ रुपए इनसे मांगे एक व्यक्ति जो वहाँ प्राधिकरण में है, उनका नाम मैंने नोट किया है और मैं उसको उस पर शिकायत भी करूँगा कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए स्वयं आके मांगे कि यदि होटल चलाना है तो 2 करोड़ देना होगा। प्राधिकरण में किसी उच्च पद पर भी हैं और भाजपा नेता भी, ऐसा बताया गया है, और नहीं दिए तो इसका होटल तोड़ दिया। तो ये सीधे सीधे घिनौने भ्रष्टाचार का मामला दिखता है। पैसा देते तो बच जाते, या तो पैसा चल रहा है या रसूख, पैसा नहीं दिया ये लद गए यहाँ वालों ने, या तो रसूख चल रहा है, अन्यथा ये संभव नहीं था कि 27-28 होटल आपने छुआ तक नहीं। उसी ग्रीन बेल्ट में, जो 50 मीटर का ग्रीन बेल्ट यहाँ बताया गया है, उसी ग्रीन बेल्ट में ऐसे ऐसे होटल हैं जो बिल्कुल नदी पर छू रहे हैं, उनको आपने नहीं छुआ, इसको तोड़ दिया। यह भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं। सर, चूंकि वीडियो के जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये 90 कमरों वाला होटल है, खासकर ये 90 कमरों वाला, ये स्ट्रेटजी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो बार बार इस चीज़ पे जोर दे रहे हैं कि 90 कमरों वाला होटल है और ग्रीन बेल्ट के अंदर आ रहा है, हमने कई बार इनके ऊपर FIR भी कर दिया है। तो ऐसे में ये इनकी मतलब उनका ये कहना कि ये शुरुआत हम लोग यहीं से कर रहे हैं। अगर यह शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं तो इनका कुछ अंत भी दिखे, मैं यह गुजारिश करूँगा। यदि वो कहते हैं, ये मैं अपनी बात सार्वजनिक वापस ले लूँगा, यदि 1 महीने के अंदर इन 27ों को नेस्तनाबूद कर देंगे कागजी तौर पे, नियमानुसार वही कानून इस पर लागू करा देंगे जो बाकी 27ों पे है, तो मैं सार्वजनिक रूप से बीडीए के अध्यक्ष उपाध्यक्ष से क्षमा याचना करूँगा और उनकी तारीफ करूँगा, यदि वास्तव में वो सभी पर कार्रवाई कर देंगे तो। सर, जिस तरह से एक घटना हुआ, चूंकि आप भी अधिकारी, अच्छे लेवल के अधिकारी रहे हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, तो ऐसे में एक अधिकारी के द्वारा एक होटल मालिक के बेटे के ऊपर, मतलब सर के ऊपर उनको चेहरा मारना, अपना सिर लड़ाना, तो इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? क्या कोई अधिकारी को कानून अपने हाथ में लेना ज़रूरी है क्या? देखिए, इसका कारण और कुछ नहीं, कारण है कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारी
इतने बेलगाम हो गए हैं उसका भी कारण है, चूंकि उनसे गुनाह करवाया जा रहा है। जैसे आप यही देख रहे हैं, दो होटल आपने तोड़वा दिए, 27 को संरक्षित किए, उनमें 8-10 भाजपा के लोगों के, मैंने कुछ के तो नाम बताए, पूर्व भाजपा के सांसद कर्नल और अब भाजपा सांसद, एक किसी नेता के भतीजे बताए गए हैं, एक भाजपा में स्वयं नेता बताए गए हैं, ऐसे 5-7 होटल भाजपा वालों के बताए गए हैं जिनसे पैसे नहीं लिए गए। तो हमारा काम करो, हमारे गलत का संरक्षण करो और हमारे और बाकियों के खिलाफ कार्रवाई। होटल के मालिक के जो बेटे हैं उन्होंने साफ तौर से ये ऑन कैमरा ये उन्होंने आरोप लगाया है कि हम लोग तमाम नक्शे पास होने के बावजूद भी हम लोगों से 2 करोड़ की रिश्वत मांगी गई, 5-5 लाख रुपए हर महीने हम लोग देते थे। तो क्या ये दर्शाता है, क्योंकि जो जनता है वो भी पूछ रही है कि आप जब पैसे देते थे इसका मतलब है कहीं ना कहीं गलत थे, लेकिन उसके बाद भी ऑन कैमरे पर इस तरह की बातें हुई, इसको कैसे देखते हैं? मैं फिर कहूँगा कि यह खुला भ्रष्टाचार है, और सबसे तकलीफ और आश्चर्य और कष्ट का विषय है कि जीरो टॉलरेंस का फर्जी नारा देने वाली सरकार इस मामले में प्रधानमंत्री के इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरी तरह मौन व्रत में है, जहाँ उसे चीख चीख के इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए थी। एडीएम ने सर से मार दिया, दो होटल को आपने तोड़ दिया, होटल वाले ने 2 करोड़ का आप पे आरोप लगाया, आप चुप हैं, यहाँ 27 होटल रेस्टोरेंट इन आपके खुले में खड़े हैं, यह सीधे सीधे आपके सरकार की हकीकत को दर्शाता है। सर, आखिरी हमारा प्रश्न, चूंकि अब आप भी राजनीति में आ गए हैं, आपने भी एक पार्टी बना रखी है, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार 2024 के चुनाव में इन लोगों ने इंडिया गठबंधन के लोगों को वोट दिया था, इसलिए होटल तोड़ा जा रहा है। यह बहुत संभव है, इसमें कोई शक नहीं कि भ्रष्टाचार के साथ साथ राजनीतिक कारण भी हों, तमाम कारण इस समय काम कर रहे हैं, कभी कभी राजनीतिक कारण कर रहे हैं, कभी अन्य, कई बार अन्य फैक्टर्स काम कर जाते हैं, उन पर हो कोई भी कारण हो, लेकिन भ्रष्टाचार मेरी निगाह में इसमें रचा बसा सना है पूरी तरह से, और इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। तो आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।